रोस्टर का रोस्ट, वो भी कैरी का। कहीं इस उबले हुए अंडे की इस हरकत की वजह से जो रोस्टर्स का खौफ बैठा हुआ है ना टिकटॉकर्स और जितने भी क्रिंज क्रिएटर्स हैं उनके मन में, वो खत्म ना हो जाए। कुछ करना पड़ेगा, जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। अब देख साले, ये रोहित तेरी रोस्ट वीडियो का कैसे रोस्ट करेगा, और तू रोस्टिंग के नाम से भी डरेगा, और तेरा रोहित को सॉरी कहने का मन करेगा लेकिन तू रोहित के सामने आने तक से डर। इतना मारूंगा मार, तेरा बाप भी याद करेगा, समझा? मैं कह ए गाली मत दे दोस्तों, हम तेरे दोस्त नहीं है। अरे क्या काली टोपी काली शर्ट पहन के घूम रहा? ऐसा कर, मुंह को भी काला कर ले, गर्दन काली कर ले, हाथ काले कर ले, कौवा बन जा, बन जा कौवा। काऊ काऊ करना तो तेरे को आता ही है, वही करेगा तो पूरी वीडियो में। मतलब ये भी बोलेगा, साले तू मेरी बजाने इसलिए है क्योंकि मैंने कैरी को रोस्ट किया है। कहता शुरू तो करने दे मुझे, पहले ही शुरू हो गया। ओके सॉरी, आई एम सॉरी बाबू। सबसे पहले तो इसकी ना, मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरे को कद्दू, मैंने इसकी आज तक कोई वीडियो नहीं देखी, बस इसके मीम्स वगैरह ही देखे हैं मैंने। मेरा कभी इंटरेस्ट ही नहीं हुआ इसके चैनल पर आने पे। लेकिन अभी मैं आया तो मैंने सोचा कैरी के इसने रोस्ट किया होगा, उससे पहले मैं देखूँ ये लौंडा करता क्या है, इतनी सारी वीडियोस डाली है रिव्यूज की। मैंने इसका एक रिव्यू देखा इंदू की जवानी का, नहीं तुम रिव्यू देखो ये लौंडा कैसे करता है। लौंडा तो है ही नहीं, वो समझ नहीं आ रहा इसे क्या बोलूँ, ये छिले हुए अंडे को। कतई ही उबला हुआ अंडा कल मैं देखा ना, डिट्टो ऐसा ही होता है, वो बाहर अंडे की दुकान पे देखा मैंने, वो बिल्कुल ऐसा गर्मा गर्म भाप निकल रही। तू टोपी हटा तो उबला हुआ अंडा ही लगेगा अंकल। मगर क्यों? देखिए ट्रेलर शुरू होता है, कियारा आती है और वो अपना नाम बताती है और फिर कहती है कि वो आजकल सिंगल है। मैडम आप सिंगल कैसे हो? सिंगल रहने की तो आपको आदत ही नहीं है, तो आप ऐसे ही पब्लिक को बेवकूफ मत बनाइए। मतलब इसको ट्रेलर का रिव्यू करना है, ट्रेलर का, लेकिन ये लौंडा बात को कहां ले गया। अबे इंदू की जवानी का रिव्यू करना है तेरे को, ट्रेलर का? ट्रेलर क्या होता है पता भी है? रियल लाइफ से बिल्कुल अलग। क्या आदमी है यार, रियल लाइफ पर ही ले गया। तो अब कियारा कहती है कि बाय गॉड आजकल अच्छे लड़के मिलते ही नहीं है, एक दो लड़कों से मिलती है और वो शायद उसे सेक्स के लिए कह देते हैं। तो मैडम आपको कोई डेट करेगा तो उसको किस में इंटरेस्ट होगा, आप क्या चाहती हो? वाह, मतलब एक लौंडा लौंडिया के साथ अगर है तो उसके दिमाग में सिर्फ सेक्स चल रहा है अकॉर्डिंग टू दिस अजीब सा दिखने वाला अंकल। अबे उल्लू के पशु, मतलब ये ऐसे रिव्यू करता है फिल्म्स को, तुम देख रहे हो ऐसे रिव्यू करता है, अलग ही लेवल पर। और चला जा, चल तेरी पे, तुझे दिखाता हूँ मैं, तू कैरी का रोस्ट ही करा। बेटा नागर क्यों रखा है नाम तूने, सीधा नगर ही रख लेता। नहीं मतलब यार आदमी है पजामा है पहन, कहता नागर क्यों रखा है नाम, नगर ही रख लेता। नहीं कोई बात ही नहीं बनी, नागर क्यों रखा है, उल्लू के पट्टे नागर सर नहीं मैं यार, कुछ भी हो सकता, मेरा बमोला है, तू मेरे को बोल दे तूने बमोला क्यों रखा, तू बम भोला रख देता। क्या आदमी है यार, उल्लू के पट्टे ऐसे ही होते हैं सर ने। मगर क्यों? खैर दोस्तों, दोस्त नहीं हम ते, गद्दार से दोस्ती नहीं करता, जीभ निकालता साला। और फर्स्ट टाइम आप लोगों को बोल रहा हूँ कि हेडफोन्स लगा लो क्योंकि इस वीडियो में बहुत माँ बहन होने वाली है। माँ बहन तो होएगी, इसने जब ये वीडियो बनाई थी ना इसको तभी पता लग गया था कि माँ बहन तो होएगी। तेरी तेरी साले तेरी। हाँ तो लुक्खे अजय, तूने बेटा ये अजय में एक की जगह ई क्यों लगाया है? इसका ड्रेस नहीं पता तुम में से किसी को? किसी को तो पता होगा, ये भाई टीचर है क्या, सरकारी स्कूल का टीचर है क्या? कतई बगैर फालतू में लौंडे में गलती निकालो और फिर उसको पेल लो। घर से मैडम हस्बैंड से दंगे करके आई हो तो सरकारी स्कूल के लौंडों को पेल दो, प्रिंसिपल की लड़ाई किसी से हो जाए, घर में दंगे चल रहे हो, लौंडों को पेल दो। क्या इतना बुरा हूं मैं मां? इसका भी कतई टीचर बन रखा सरकारी स्कूल का। अबे कमाल है तेरा नाम, कमाल हो भाई हो। बता रहा हूँ मैं, बता, हम सब पाप के भागीदारी हैं, जितनी भी इंसानियत है सब पाप के भागीदार, ऊपर भगवान को जवाब देना पड़ेगा। हमारी आंखों के सामने इस एलियन जैसे प्राणी को कमाल नाम रख दिया गया और हम सहते रहे। मगर क्यों? आने वाले वक्त का बॉलीवुड का नंबर वन सुपरस्टार तू ही होने वाला है। अबे लौंडे मेरा भोसड़ी के या, या। ये इनको लग रहा है कि ऐसे दो चार गालियां दे दो, कोई कंसेप्ट नहीं लगता रोस्टिंग में, कुछ नहीं लगता, कुछ मेहनत नहीं होती, बस आओ खड़ो गालियां दो चले जाओ, है ना, है ना, है ना, यही सोच के आए थे ना। अरे क्या लाल फंस गया मुंह में। सुपरस्टार बनेगा,
शक्ल तेरी हथियार के टोपे जैसी। मतलब यार मेरे को तो ये सोच सोच के हैरानी हो रही है कि एक कैमरे में देख के ही बना रहा होगा ना वीडियो, तो कैमरे में तो इसको इसकी शक्ल दिख रही होगी छिलेले अंडे जैसी, तो ये दूसरे के ऊपर उंगली कैसे कर सकता है। कसम लगे रात को भूत दिख जाए चुड़ैल दिख जाए मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता ना, हाई फाई करके आ जाऊंगा रात को। ये हरामी मेरे को दिखाना छिलेला अंडा ऐसी टोपी के अवतार में, मेरी फट के हाथ में आ जाएगी, मैं बता रहा हूँ, मेरी क्या किसी की भी आ जाएगी। मगर क्यों चला है एक्टर बनने, सुपरस्टार बनने ना, मतलब ये बन सकता है एक्टर लेकिन कैरी नहीं बन सकता। ठीक है वैलिड है वैलिड है, लगे रो लगे रो लगे रो। और ऊपर से नाम की स्पेलिंग भी चेंज कर रहा है। बेटा आज बनाता हूँ मैं तेरे को एक्टर। ओ यार और तूने कुछ नहीं किया अभी तक, सरकारी स्कूल का टीचर ही है तू, नागर का नगर अजय में ही क्यों है कहता। बहुत तकलीफ होती है, पहले जाओगे ससुराल बहुत पहले जाओगे, हम भी पहले गए तुम भी पहले जाओगे। अब तू फिल्म में काम कर रहा है एक्टर बनेगा, अबे लुखे एक्टर कैसे बनेगा, तुझे क्या लगता है कि तू एक्टिंग कर पाएगा। तूने एक्टिंग करी थी मतलब कितना गंदा आदमी, मतलब जब इसको फिल्म मिल सकती है तो यार किसी को भी मिल सकती है, मेरे को भी मिल सकती है भाई। क्या? नहीं मैं नहीं मानता। और चलता कैसा है तू, गांड को हिला के इधर उधर इधर उधर। कौन सा ऐसा प्राणी है जो बिना गांड हिलाए चल सकता है, कौन सा। अबे जब इंसान चलेगा तो पिछवाड़ा तो मटके, ऐसा करते हैं हाथ रख के चलना शुरू कर देते हैं चाचा। ठीक है आप तो हाथ रख कर ही चलो क्योंकि अब सारे रूसर आप कितनी मारेंगे ना, आपको हाथ रख के ऐसे पकड़ के ही चलना पड़ेगा ताकि हिले ना कहते। अबे आदमी है कि पजामा है छिलेला अंडा क्या, कुछ भी कहता कैसे चलता है तू मटका के। चलेगा आदमी तो मटके की ना यार, कुदरत का कानून है ये, फैक्ट है ये। जैसे फर्स्ट टाइम लौंडा मरवाते हुए इधर उधर करता है ना वैसे तू चलता है। पता ही एक्सपीरियंस्ड है, जो आंखों में चमक आई है ना साफ पता लग रहा है, मतलब जवानी के दिन याद आ गए अंकल को, अंकल भी ऐसे मटक मटक के चलाता, पूड़ियां नहीं उतरी गई होंगी। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। और हाथ तेरे एकदम कोमल कोमल लड़कियों जैसे, ग्राउंड पे तेरी एक भी बाल नहीं है। उसको खुद को नहीं पता होगा कि उसके पिछवाड़े पे बाल है कि नहीं है, क्योंकि कोई इंसान ध्यान ही नहीं देता यार पीछे की जगह पर, कौन ध्यान देगा। सिर्फ इस जैसा प्राणी कर सकता है काम, जिसकी शक्ल पिछवाड़े जैसी हो वही पिछवाड़े की बात करेगा, बाल नहीं है क्या यार क्या है। एक वैलिड पॉइंट मार दे फेक के जिसमें लगे कि हाँ पे रोस्ट किया, बख्श दूंगा तेरे को 5 गालियों की जगह 4 गालियां लिखूंगा, बस एक पॉइंट मार। एक सवाल है मेरे मन में, ये हर उस मिडिल क्लास लड़के के माता पिता से है, जब इसके माता पिता इसका नाम कमाल रख सकते हैं, कमाल मतलब ये इसका नाम ही रख लिया वही बड़ी बात होगी, कमाल रख दिया इसका नाम कमाल, तो आप लोगों को क्या है, मतलब क्या दिक्कत क्या है? आप लोग अपने लौंडे लौंडियों का नाम इतना, मतलब लड़की का नाम बबीता, लड़के का नाम रोहित अजय सुशील, आप लोग क्यों नहीं, आपको तो गर्व होना चाहिए यार, जब इसके माता पिता इसका नाम कमाल रख सकते हैं, आप तो रख दो यार, आप तो राजा वाजा रखो, वरना इसके ये तो राजा रख लेगा कल को अपना नाम। राजा, राजा, राजा। तो क्या हो गया, हैरानी हो रही है, ऐसा ही होगा, रखो और रखो अपने लड़के का नाम रोहित राजू सुनील गोपी, इसके माता पिता से सीखो, कमाल रख दिया इस जैसे धमाल का नाम। इतना मारूंगा मार तेरा बाप भी याद करेगा समझा। अरे तू जा रही। दोस्तों मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताइए, टेक केयर। टेक केयर, रुक अबे सुनता तो जा अंकल, मेरे को कैसा लगा बताने तो दो। Alright guys, I hope तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जो तुम्हें करना है करो, बाकी मिलते हैं फिर जल्द से जल्द नवी वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।